नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। फतेहाबाद में पूरी तरह से फ्लॉप रहा डॉक्टर्स डे कार्यक्रम में खाली रही कुर्सियां। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराला की स्पीच से पहले ही खाली हो गया पूरा पंडाल। बीजेपी चिकित्सा प्रकोष्ठ के सह संयोजक डॉक्टर वीरेंद्र सिचाव ने अपनी ही सरकार पर उठाए सवाल। पल पल फतेहाबाद से राजेश भांबू की विशेष रिपोर्ट। फतेहाबाद में डॉक्टर्स डे के अवसर पर फतेहाबाद के नागरिक अस्पताल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। डॉक्टर डे पर आयोजित यह कार्यक्रम पूरी तरह से फ्लॉप रहा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला की स्पीच से पहले ही पूरा पंडाल खाली नजर आया। मामला उस समय और रोचक हो गया जब बीजेपी चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक डॉक्टर वीरेंद्र सिचाव ने अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े कर दिए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला के सामने माइक पर बोलते हुए वीरेंद्र सिचाव ने कहा कि प्रदेश में डॉक्टरों के लिए भय का माहौल है। कोई भी डॉक्टर अपने बच्चे को डॉक्टर नहीं बनाना चाहता। उन्होंने कहा कि आज डॉक्टर को लुटेरा और डकैत का तमगा मिलता है। वीरेंद्र सिचाव ने कहा कि अगर हालात इसी तरह से रहे तो ज़्यादातर डॉक्टर चिकित्सक देश से पलायन कर जाएंगे, चिकित्सा क्षेत्र को ही छोड़ देंगे। उन्होंने कहा कि वह चारों तरफ देश में भय का माहौल पैदा हो गया है। उन्होंने कहा कि आज बहुत से चिकित्सक अपने पेशे को छोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि सुरक्षा की भावना उनके दिल में घर कर गई है। आपको बता दें कि डॉक्टर सिचाव फतेहाबाद में बीजेपी टिकट के दावेदार माने जाते हैं, लेकिन डॉक्टर डे के अवसर पर अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े करने के बाद वीरेंद्र सिचाव विधायक चर्चा का विषय बन चुके हैं। आइए देखते हैं पलपल की एक खास रिपोर्ट। और उसके बाद तमगा क्या मिलता है? लुटेरा, डकैत। और अगर स्थितियां नहीं बदली, यही सीन चलता रहा, तो या तो ज्यादातर अच्छे चिकित्सक इस देश से पलायन कर जाएंगे और या चिकित्सा सेवा क्षेत्र को छोड़ देंगे। ये सिर्फ मैं बातें नहीं कर रहा, एक भय का माहौल पैदा हो गया है। हमने विज्ञान में बहुत तरक्की की है। मैं प्रधान जी बताना चाहूंगा अध्यक्ष जी को कि 1991 में मैं इस हॉस्पिटल में आया था, ज्वाइन किया था मैंने, और आज ये सीन है कि डॉक्टर अपने बच्चों को डॉक्टर नहीं बनाना चाहता। 90% से ज्यादा चिकित्सक अपने बच्चों को डॉक्टरी लाइन में नहीं भेजना चाहते। कोई 1-2% जो डॉक्टर है वो इस तरह की हरकत करता होगा, कोई लाखों में वो भी 1-2% ज्यादा बोल दिया, जिसके लिए मरीज की जेब दिखती है या कुछ नहीं दिखता, सिर्फ मरीज की जेब देख, नहीं तो मरीज डॉक्टर के लिए अन्नदाता है, उसका भगवान है। मरीज के लिए डॉक्टर तो भगवान माना जाता था और है भी, जिसकी जान बचाई है। लेकिन माहौल और वातावरण ऐसा पैदा हो गया है कि चिकित्सक को उस दृष्टि से नहीं देखा जाता और सम्मान दिया जाता जिसके वो हकदार हैं। और इन्हीं वजह से, इन्हीं चीजों की वजह से चिकित्सक इस क्षेत्र को छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा असुरक्षा की भावना ने घर कर लिया है। और उसके बाद तमगा क्या मिलता है? लुटेरा, डकैत। और अगर स्थितियां नहीं बदली, यही सीन चलता रहा, तो या तो ज्यादातर अच्छे चिकित्सक इस देश से पलायन कर जाएंगे और या चिकित्सा सेवा क्षेत्र को छोड़ देंगे। ये सिर्फ मैं बातें नहीं कर रहा, एक भय का माहौल पैदा हो गया है। हमने विज्ञान में बहुत तरक्की की है। मैं प्रधान जी बताना चाहूंगा अध्यक्ष जी को कि 1991 में मैं इस हॉस्पिटल में आया था, ज्वाइन किया था मैंने, और आज ये सीन है कि डॉक्टर अपने बच्चों को डॉक्टर नहीं बनाना चाहता। 90% से ज्यादा चिकित्सक अपने बच्चों को डॉक्टरी लाइन में नहीं भेजना चाहते।
एक आधा परसेंट जो डॉक्टर है वो इस तरह की हरकत करता होगा, कोई लाखों में वो भी एक आधा परसेंट ज्यादा बोल दिया, जिसके लिए मरीज की जेब दिखती है या कुछ नहीं दिखता, सिर्फ मरीज की जेब देख, नहीं तो मरीज डॉक्टर के लिए अन्नदाता है, उसका भगवान है। मरीज के लिए डॉक्टर तो भगवान माना जाता था और है भी, जिसकी जान बचाई है। लेकिन माहौल और वातावरण ऐसा पैदा हो गया है कि चिकित्सक को उस दृष्टि से नहीं देखा जाता और सम्मान दिया जाता जिसके वो हकदार हैं। और इन्हीं वजह से, इन्हीं चीजों की वजह से चिकित्सक इस क्षेत्र को छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा असुरक्षा की भावना ने घर कर लिया है। बलुराम जी, भाई गुलशन जी, भाई रिंकू मान जी, भाई मुख्तार सिंह जी, राजपाल जी, डॉक्टर आत्म प्रकाश मेहता जी, और यहाँ सामान्य आदमी माननीय सुभाष बराला जी से अनुरोध, भाजपा के प्रदेश सदन विधायक तुम्हारा से अनुरोध, कृपया तालियों से आप पुनः जोरदार सम्मान और स्वागत हमारे विधायक महोदय प्रदेश सदन जी का, कृपया पुनः तालियों जोरदार ध्यान में भी किया गया था, मगर अफसोस की बात है कि हमारा संदेश